हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, टिश्यू वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना और हमने टिश्यू का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, पादप उत्तक। कौन सा उत्तक? पादप उत्तक, यानी कि प्लांट टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास रहेगी ना, वो क्लास है किसकी? जंतु उत्तक की। काय की क्लास है? जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। हमारे बारे में एनिमल, प्लांट के अलावा जितने भी एनिमल है ना, अब उनमें उत्तक किस किस प्रकार के उत्तक होते हैं, उनका काम क्या है, बॉडी में उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन सी जगह पर वो कैटेगराइज है या कौन सी जगह पर वो पॉइंटेड है, वो सारी बातें हम आज की क्लास में शेयर करने वाले हैं। तो आप रेगुलर एंड तक वीडियो के साथ बने रहे। देखो, जंतु उत्तक। अब जो जंतु उत्तक है, जो एनिमल टिश्यू, काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि ये जो एनिमल टिश्यू है ना, उनका पूरा चार्ट तैयार कर लें। क्या तैयार कर लें? पूरा चार्ट बना लें। उसके बाद मैं वन बाई वन उठाता जाऊंगा और तुम्हें समझाता जाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार। उपकला उत्तक, मांसपेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और एक संयोजी उत्तक। इससे पूरी बॉडी बन गई। मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा, बस आप देखते रहो। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे जंतु उत्तक। क्या लिखेंगे? जंतु उत्तक, यानी कि एनिमल टिश्यू। दोनों चीज लिखते चलूंगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। एनिमल टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड किया है? फोर। कितने? फोर। चार पार्ट में इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड जो है वो है मांसपेशीय, मांसपेशीय उत्तक। सेकंड कौन सा है? मांसपेशीय उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। थर्ड जो जंतु उत्तक है वो है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू। और लास्ट का जो जंतु उत्तक है वो है तंत्रिका उत्तक। वो कौन सा है? तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू। ये लो, कितने टाइप के उत्तक है? चार टाइप के उत्तक है, उपकला उत्तक, मांसपेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। और कौन सा हो गया? तंत्रिका उत्तक। अब ये यहां पर ही खत्म नहीं हुए, ये तो चार पोर्शन है। इन चार पोर्शन के अलावा इनके भी अलग अलग भाग है, इसके भी अलग अलग भाग है, इसके भी अलग अलग भाग है, इसके भी सबके। तो जो उपकला उत्तक है वो चार प्रकार का होता है। उपकला उत्तक कितने प्रकार का? चार प्रकार का। चार प्रकार के कौन से है? सुनना ध्यान से। एक तो है सरल यानी कि सल्की, यानी कि सरल सल्की उपकला उत्तक। एक है स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला उत्तक। एक है घनाकार उपकला उत्तक। सरल सल की उपकला, सरल शल की उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक और एक घनाकार उपकला उत्तक। यानी कि ये तो सिंपल हो गया, ये कोलमनर हो गया, ये क्यूबोइडल हो गया और एक पक्षमा भी, पक्षमा भी उपकला उत्तक। ओके, ऐसे ही जो मांसपेशी उत्तक है वो तीन टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के। फर्स्ट,
सेकेंड और थर्ड, कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के। देखो एक तो है रेखित, रेखित मांसपेशीय, एक अरेखित मांसपेशीय और एक है कार्डियक मांसपेशी उत्तक। ठीक है, ये कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के। संयोजी है, जो संयोजी चार प्रकार का होता है, इसका वर्णन मैं यहां पे कर रहा हूं। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। कितने? चार। अब संयोजी उत्तक चार कौन कौन से है? सुनना, एक तो है तरल, पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं, पूरा समझा रहा हूं, तरल संयोजी उत्तक, समझ गए? तरल संयोजी उत्तक। एक है कंकाल संयोजी उत्तक, एक है वसा में और एक है गर्तिका में। एक वसा में और एक गर्तिका में। देखो जो तरल है, जो तरल आप जानते हो लिक्विड होता है, ये दो टाइप का है। इसमें आपको दो चीज पढ़नी पड़ेगी, एक तो पढ़ना पड़ेगा रक्त, एक पढ़ना पड़ेगा लसीका। क्या पढ़ना पड़ेगा? लसीका। कंकाल में भी आपको दो चीज पढ़नी है, एक तो हड्डी यानी कि अस्थि, एक तो अस्थि और एक उपास्थि, अस्थि और उपास्थि। वसा में का कोई टाइप होता नहीं है। गर्तिका में दो प्रकार का होता है, एक तो कंडरा और एक स्नायु। और जो नर्वस उत्तक है उसमें आपको सिर्फ एक टॉपिक क्लियर करना है और वो है तंत्रिका कोशिका। वो क्या है? तंत्रिका कोशिका। ये लो, समझ गए ना? एनिमल टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। द फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड इज मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज कनेक्टिंग टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्व टिश्यू। एंड अगेन द एपिथेलियम टिश्यू आर कैटेगराइज्ड इन फोर पार्ट। द फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, कोलमनर, क्यूबोइडल और सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये भी तीन टाइप के हैं, एक तो रेखित, अरेखित और कार्डियक, यानी कि स्ट्राइटेड, ठीक है, अनस्ट्राइटेड और एक है कार्डियक। या आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, एक तो रेखित जो होता है ये वॉल्यूंट्री मसल्स होती है, ये इनवॉल्यूंट्री होती है और ये कार्डिक होती है। और जो कनेक्टिंग टिश्यू है ये भी चार टाइप के, एक तो लिक्विड वाला, एक स्केलेटन वाला, एक एडिपोज वाला और एरियोलर। ये ब्लड है, लिम्फ है, ये बोन है, ये कार्टिलेज है, ये एक लिगामेंट है और एक कंड्रा है। देखो ऐसे जंतु उत्तक को कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है, उपकला उत्तक, मांसपेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और एक कौन सा है? तंत्रिका उत्तक। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, बस वन बाय वन पढ़ाना है एक एक को। पहले सबसे पहले उठा लो आप उपकला उत्तक, सबसे पहले कौन सा ले लो? उपकला उत्तक। तो देखो सबसे पहले जो मैंने उत्तक ले लिया वो है उपकला उत्तक। सबसे पहले कौन सा लिया? उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान देना, देखो उपकला उत्तक कौन से होते हैं? उपकला उत्तक हमारी बॉडी के वे उत्तक होते हैं जो हमारे शरीर को ढकने का कार्य करते हैं। बात समझ आ रही है? बॉडी को ढकने का कार्य है। अब हमारे शरीर को ढकने का काम स्किन करती है, त्वचा। तो त्वचा एक उपकला उत्तक है, त्वचा एक उपकला उत्तक है। बाहर के अंगों को ढकने के लिए तो त्वचा काम कर रही है, और इंटरनल जो ऑर्गन्स है जैसे लंग्स है, किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, स्टोमक है, इनके ऊपर भी तो स्किन पाई जाती है ना, इंटरनल स्किन। और जो अंदर वाली उपत्वचा है, बाहर वाली त्वचा उपकला उत्तक है, अंदर वाली जो त्वचा है मतलब जो आंतरिक अंग है उनके बाहर भी जो आवरण बना रहा है ना, आंतरिक अंगों के ऊपर भी जो आवरण बन रहा है वो भी किससे बन रहा है? उपकला उत्तक से। तो उपकला उत्तक के लिए आप अपने माइंड में डाल लो, उपकला उत्तक वह उत्तक है जो हमारे शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों को ढकने का कार्य करता है। समझ में आई बात? उपकला शरीर के अंगों को ढकने का
कार्यकर्ता है। अब चाहे शरीर के वो बाह्य अंग हो चाहे शरीर के आंतरिक अंग हो, ये कवर्ड करेगा, मतलब ढकने का काम करेगा कौन? उपकला उत्तक। फिर उपकला उत्तक को भी कितने भागों में डिवाइड कर दिया? चार भागों में। सरल, शल की उपकला उत्तक, स्तंभाकार, घनाकार और पक्षमाभी। तो देखो सबसे पहले ले लें सरल, शल की उपकला उत्तक। सरल शल की उपकला उत्तक, सबसे पहले कौन सा है? सरल शल की उपकला उत्तक। अब ध्यान समझना, देखो सरल सब, अब इनमें आप सोचो, सबसे पहले ऐसे सोचने की आवश्यकता है कि सर इनको चार भागों में क्यों बांटा है? ये तो सब बॉडी को ढकने का काम करते हैं, ये तो सब बॉडी को कवर अप करते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह है। इनकी जो कोशिकाएं है ना वो अलग अलग टाइप की है, अलग अलग टाइप की भी है और अलग अलग जगह भी है, मतलब इनको आकार के आधार पर चार भागों में बांटा है और इसके आधार पर भी ये कौन सी जगह पर है, कोई त्वचा की है, कोई लीवर की है, कोई श्वास नली की है, ऐसे इनको चार भागों में बांट दिया। तो सरल शल की उपकला, जो सरल शल की उपकला की कोशिकाएं होती है ना वो बिल्कुल चपटी होती है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है? चपटी, बिल्कुल कैसी होती है? फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होती है। और सरल शल की उपकला उत्तक का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, इसका एग्जाम्पल है स्किन, हमारी त्वचा। इसका एग्जाम्पल क्या है? त्वचा है, त्वचा स्किन है इसका एग्जाम्पल। आप देख सकते हो त्वचा की कोशिका बिल्कुल चपटी होती है। अरे त्वचा की कोशिका चपटी होगी तभी तो त्वचा ऐसे लंबी फैल रही है, अगर त्वचा की कोशिका ऐसे खड़ी होती तो फिर हमारी स्किन तो खड़ी हो जाती, लेकिन स्किन क्या हो रही है? ऐसे लेटी हुई है, फ्लैट है ना, बिल्कुल चिपकी हुई है। आप समझ सकते हो इसकी कोशिकाएं बिल्कुल कैसी है? ऐसे चपटी है, चपटी ऐसे पड़ी है, चपटी चपटी चपटी। तो ऐसे पूरी स्किन का निर्माण हो गया। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? चपटी। देखो कैसे, ऐसे ऐसे लंबी लंबी चपटी चपटी। ऐसे ये इनका न्यूक्लियस, ये जो कोशिकाएं हैं ये किसकी कोशिकाएं हैं? त्वचा की। किसकी कोशिकाएं हैं? त्वचा की। अब देखो ऐसे कोशिकाएं बिल्कुल फ्लैट होकर पड़ी है एक दूसरे के ऊपर और एक परत का निर्माण कर रही है। जब परत बनेगी तो वो किसी चीज़ को कवर करेगी, और जो परत बन रही है ना यहाँ पे वो हमारी स्किन बन रही है, और उस स्किन को बनाने वाला जो उत्तक है वो कौन सा है? उपकला उत्तक। ये सब त्वचा की चपटी कोशिकाएं हैं, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये इन कोशिकाओं का केंद्रक, इन कोशिकाओं का केंद्रक। अब आप देख लो ऐसी जो कोशिकाएं होती है ना बिल्कुल फ्लैट, और ये जो कोशिकाओं का जो झुंड बनेगा, ये जो कोशिकाओं का जो ग्रुप बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड एपिथीलियम टिश्यू, सिंपल एपिथीलियम टिश्यू। ये त्वचा का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। सरल शल की उपकला उत्तक, जो सरल शल की उपकला उत्तक अगर पूछा जाए आपको तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, मतलब फ्लैट कोशिकाएं, और फ्लैट कोशिकाएं किसकी होती है? स्किन की होती है। किसकी होती है? स्किन की। तो ये एक टॉपिक तो हमने क्लियर किया। एक बार एक काम करता हूँ, जगह नहीं है मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हो, और ना भी अगर उतारोगे तो नोट्स में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा नोट्स में, ठीक है? तो मैं
इसको मिटा रहा हूँ, ये चलेगा। देखो अब एक बार, सुनो, एक तो हो ही गया सरल शल की उपकला उत्तक। नंबर दो पर है स्तंभाकार उपकला उत्तक। स्तंभाकार उपकला उत्तक यानी कि कोलम्बनर एपिथेलियम टिश्यू, कोलम्बनर कोलम्बनर एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है ये सरल शल की, सरल थी शल की थी मतलब फ्लैट थी, इनकी कोशिकाएं स्तंभाकार है। एक कोलम आता ना स्तंभ खड़ा होता है, खंबा जिसे हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा पुराने मकानों में या फिर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपने देखी होगी, हिस्टोरिकल पैलेस देखा होगा, महल, उसमें खंबे खड़े रहते ना बड़े से कोलम्ब की तरह खंबे। तो स्तंभाकार इनकी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, स्तंभाकार लाइक दिस, देखो कैसे है? ऐसे ये तो क्या मैं दो आधार बना रहा हूं इन कोशिकाओं के लिए, तो ऐसे 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 ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ, एक ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये रहा स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या बनाने हैं, स्तंभ बनाने हैं। इनके साथ साथ और बना सकते हो आप, चाहो तो एक लेयर और ले लो, अब देखो ये इनके केंद्रक, अब देखो ये जो डायग्राम है ये जो फिगर है वो किसका है, स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार ये जो डायग्राम बना है वो किसका बना है, स्तंभाकार उपकला उत्तक का। अब आप इसमें समझ सकते हो ये जो उत्तक है ये स्तंभाकार उपकला, उपकला का मतलब तो आप समझते हो कि किसी चीज को कवर करेगा, ढकेगा, और स्तंभाकार इसकी जो कोशिकाओं का जो आकार है ना वो स्तंभ की तरह है। देखो सारे स्तंभ से खंभे खंभों की तरह जम रहे हैं ना, मतलब बॉडी में ऐसे भी स्ट्रक्चर आती है, एक ऑर्गन ऐसा भी है जहां पर ये वाला उत्तक मिलने वाला है और उनकी कोशिकाओं की स्ट्रक्चर ऐसे कोलम की तरह है, जिनको हम बोल सकते हैं कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू, स्तंभाकार उपकला उत्तक। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है छोटी आंत की, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, छोटी आंत की, छोटी आंत की आंतरिक सतह। आपने सेवेंथ क्लास में, एट्थ क्लास में डाइजेशन सिस्टम पढ़ा होगा, तो जो छोटी आंत है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम दीर्घरोम बोलते हैं, जिनको माइक्रोविलाई बोलते हैं, विलाई, तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो वो जो उंगली जैसे स्ट्रक्चर है ना छोटी आंत की आंतरिक, पूरी आंतरिक संरचना पर वो जो स्ट्रक्चर है ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसी, वो कोई और नहीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर किसके बने होते हैं, स्तंभाकार उपकला उत्तक। और छोटी आंत में ऐसा होना लाजमी है, क्यों जरूरी है, उसके लिए आपको डाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, पूरा एक साल का वेट करना पड़ेगा, टेंथ क्लास का सेकंड चैप्टर है, तब मैं पढ़ाऊंगा आपको डाइजेशन में, और आपको याद भी दिलाऊंगा उस वक्त जब ये टॉपिक मैं चालू करूंगा ना,
उस वक्त मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि देखो हमने उस वक्त स्तंभाकार उपकला उत्तक पढ़ा था और उसका एग्जाम्पल दिया था छोटी आँख में, वो याद दिला दूंगा मैं, ऑटोमेटिक याद आ जाता है, आदत में है ये चीज़ें, ठीक है। स्तंभाकार उपकला उत्तक कहाँ पर मिलेगा आपको? छोटी आँख की आंतरिक सतह पर। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है दीर्घ रोम, वो किसके बने होते हैं? इनके। क्यों? वो ऐसे खड़े रहते हैं, वो एनर्जी को अवशोषित करते हैं, वो फ्लैट नहीं हो सकते। अगर ये वाला उत्तक फ्लैट हो गया ना तो फिर छोटी आँख का काम ही खत्म हो जाएगा, वो ऊर्जा का अवशोषण कर ही नहीं पाएगी। सो उसको ऐसा शेप लेना पड़ा, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि वो हीज इंक्रीजेज द एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी लेवल इंक्रीज बाई कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू लाइक दिस माइक्रोविलाई। आप ये कह सकते हो कि ऐसे स्ट्रक्चर होना जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसे कॉलम कॉलम खड़े नहीं रहेंगे तो एनर्जी का अवशोषण नहीं होगा, इसीलिए इनकी कोशिकाएं कॉलम की तरह ही होनी चाहिए, ना कि फ्लैट शेप में, समझ गए। तो दो टिश्यू तो हमने कंप्लीट कर लिए, एक तो सरल सल की उपकला उत्तक और एक स्तंभाकार उपकला उत्तक। अब जो तीन नंबर पर है वो है घनाकार उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक। घनाकार उपकला उत्तक क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, घनाकार उपकला उत्तक क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब इसको समझना ध्यान से, घनाकार उपकला उत्तक क्या है? देखो आपको समझना कुछ नहीं, उपकला का मतलब होता है ढकने वाला, उपकला उत्तक का मतलब होता है ढकने वाला, बस आपको शेप चेंज करनी है। मैंने पहले ही बता दिया था जो चार प्रकार है वो कोशिकाओं के आकार के आधार पर है और पोजीशन कहाँ पर है। ये त्वचा की कोशिकाएं हैं और ये छोटी हाथ की आंतरिक सतह की कोशिकाएं। अब घनाकार, मैथ्स में पढ़ते हो ना क्यूब, घन आता ना घन, उसकी तरह कोशिकाएं बनानी है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है जो वृक्क नलियां होती है ना, नेफ्रॉन, उनकी जो स्ट्रक्चर, उनकी जो सतह बनी होती है, वृक्क नलिकाओं की संरचना इन्हीं से ही तैयार है। इसके अलावा लार ग्रंथि की जो नलिकाएं होती है, द ट्यूबल्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड मेड बाई क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, वो किसकी बनी होती है? क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शेप देना है सेल्स का, लाइक दिस क्यूब, किसकी तरह? घन की तरह, देखो ऐसे। ऐसे ये तो बेस है ही, आपको कोशिकाएं बनानी है घन, जानते हो ना डिब्बे की तरह, ऐसे लंबा लंबा ऐसे स्तंभ तो बनाना नहीं है, क्यूब बनाना है, घन बनाना है। ऐसे इसमें फर्क नजर आ रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है? कॉलम की तरह, खंभे की तरह, स्तंभ की तरह। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये किसकी तरह है? ये वाली स्ट्रक्चर है क्यूब की तरह, किसकी तरह है? घन की तरह, घन की तरह, ठीक है। ये इनके न्यूक्लियस है, ये लो इनकी कोशिकाएं जो जमी है, जिन्होंने एपिथेलियम सरफेस का निर्माण किया है, लाइक दिस इट इज ए क्यूब, इट इज ए टाइप ऑफ क्यूब, किसकी तरह? एक क्यूब की तरह, एक घन की तरह। तो फिर हमने इनको बोल दिया घनाकार उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, लार ग्रंथियों की नलिकाएं, लार ग्रंथियों की नलिकाएं इसकी तरह होती है, ठीक है। मतलब लार ग्रंथि की जो नलिकाएं होती है ना, वो कौन से उत्तक की बनी होती है? लार ग्रंथि की नलिका है, उसको भी तो कोई ढकेगा ना,
उसको भी तो कोई ढकेगा ना, और ढकने वाला कौन होता है? उपकला। लेकिन उनकी कोशिकाओं की शेप कैसी होती है? घन की तरह। तो उनको बोल दिया घनाकार उपकला उत्तक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, वृक्कीय नलिकाओं की संरचना, वो भी किसकी बनी होती है? वृक्कीय नलिकाओं की संरचना भी किसकी बनी होती है? घनाकार उपकला उत्तक। वृक्क नलिकाएं जो किडनी की नलिकाएं होती है, नेफ्रॉन, जिनमें मूत्र बनता है, जिनमें यूरिन बनता है, उनकी जो सरफेस होती है, उनको जो ढकने का काम करता है, वो भी कौन करता है? घनाकार उपकला उत्तक। ये कंप्लीट, बस एक लार्ज पोर्शन बच रहा है। कौन सा? पक्षमाभी उपकला उत्तक। कौन सा बच रहा है? पक्षमाभी उपकला उत्तक। तो देखो, मैं इसकी जानकारी यहीं से दे देता हूँ। पक्षमाभी उपकला उत्तक कहाँ पर पाया जाता है? पक्षमाभ किसे कहते हैं? पक्षमाभ का मतलब होता है कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक प्रोटोजोनल ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, जिसकी शेप शू लाइक स्ट्रक्चर होती है, जूते की तरह ऐसे। ऐसी स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम। क्या ये पैरामीशियम? तो इस पैरामीशियम के अंदर ये एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, इसकी बॉडी के चारों तरफ ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर निकली होती है, ऐसे ये स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर निकली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पक्षमाभ, सीलिया, इंग्लिश में सीलिया। क्या बोलते हैं इसको? पैरामीशियम की बॉडी के चारों तरफ जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर निकली होती है कांटे की तरह, उनको हम बोलते हैं सीलिया, और हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभ। अब ये जो सीलिया और जो पक्षमाभ है ना, ये क्या काम करते हैं? ये पैरामीशियम को एक तो गति में हेल्प करवाते हैं, भोजन को पकड़ने में हेल्प करवाते हैं, या किसी सतह से चिपकने में हेल्प करवाते हैं। तो ये वर्ड उठाया हमने पैरामीशियम से। कहाँ से उठाया? पैरामीशियम ने। हमारी बॉडी में भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पर? श्वास नली के अंदर। कहाँ पर? श्वास नली के अंदर। जैसे मान लो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया बोले तो श्वास नली, क्योंकि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, लाइक दिस ट्रेकिया। ये श्वास नली है, नीचे जाके फेफड़ा बनी जाएगा। श्वास नली के अंदर वाली सतह पर भी इन पक्षमाभ की तरह संरचना होती है, ऐसे 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 ऐसे। ये जो पक्षमाभ की संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये उत्तक है, और ये कौन सा उत्तक है? पक्षमाभी उपकला उत्तक। मतलब श्वास नली की आंतरिक स्तर को, या श्वास नली की आंतरिक संरचना को, या आंतरिक सतह को जिसने ढक रखा है ना, जिसने कवर कर रखा है, वो किसने कर रखा है? पक्षमाभी उपकला उत्तक ने, ऐसी संरचनाओं ने कवर किया है। और ऐसी संरचनाओं का नाम दिया कहाँ से? पैरामीशियम से। नाम तो निकालना पड़ेगा ना, इन्होंने इसको ढक रखा है पूरे को, तो इनको बोल दिया पक्षमाभी उपकला उत्तक। और ये पक्षमाभी उपकला उत्तक काम क्या करते हैं? जैसे गले में म्यूकस फंस जाता है ना, म्यूकस का मतलब है अगर गले में आपके कफ फंस गया, कफ, और श्वास नली, कफ जब गले में फंस जाता है, श्वास नहीं फंस जाता है, तो श्वास नहीं आता। जब हम श्वास लेते हैं तो एक सीटी की आवाज़ आती है, आप श्वास लोगे तो वो ऑक्सीजन और जो CO2 है वो टकराएगी किससे? उस कफ से। तो एक सीटी की आवाज़ आती है, सी सी ऐसे। तो जब तक वो श्वास नली साफ नहीं होगी, वो कफ नहीं हटेगा, तब तक श्वास नली का रास्ता साफ नहीं होगा, और उस सीटी आने की आवाज़ बंद नहीं होगी। तो उस सीटी की ये जो कफ फंस जाता है ना, इस कफ को नीचे भेज देती है या ऊपर निकाल देती है, कौन? यही पक्षमाभी संरचना है। ये क्या ऐसी ऐसी गति करती रहती है, उससे टकरा कर म्यूकस या तो ऊपर चला जाता है या फिर नीचे चला जाता है। तो आपको एग्जाम्पल देना है, पक्षमाभी उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है? श्वास नली की आंतरिक सतह पर। ये लो, दिस इज द कंप्लीट द टॉपिक ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। देर आर डिवाइडेड 4 पार्ट, जो हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। द फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड इज कॉलमनर, थर्ड इज क्यूबोइडल, एंड फोर्थ इज सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ये लो, ये एक पोर्शन यानी कि उपकला उत्तक हमने क्या कर लिया आज की क्लास में? कंप्लीट कर लिया। आराम से देखना, समझना, जिस जगह समझ में नहीं आता वीडियो को रोकना, रोक रोक के समझ के इसको कंप्लीट जरूर करें।
आगे की जब भी क्लास होगी हम सेकंड नंबर का उत्तक उठा लेंगे, कौन सा? मांसपेशीय उत्तक, जो तीन टाइप का होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।